लेकिन ना अब क्योंकि जब अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है, सोमवार को मार्केट आस के बाद टीसीएस के नंबर्स आएंगे और एक बार विनी से ये समझ लेते हैं कि टीसीएस के नंबर्स से स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या स्ट्रीट सुनना चाहता है? एक बार एक प्रीव्यू तैयार किया है विनी से, आइए उनसे समझ लेते हैं। एब्सोल्युटली। और टीसीएस की Q3 के अर्निंग्स की बात करें तो ओवरऑल अर्निंग्स से ज़्यादा तो कमेंट्री की वेट करेंगे हम लोग, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस है, पाइपलाइंस कैसी है, डील विंस कैसी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वॉच आउट करेंगे। और ओवरऑल अभी नंबर्स पे बात करते हैं तो रेवेन्यू जो USD में रेवेन्यू ग्रोथ है, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है, वो एक्सपेक्टेड है अराउंड 1% पे। इंडियन रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 3% के हिसाब से। और इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ ये टाइम थोड़ी एक्सपेंशन होगी, इबिट मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन एक्सपेक्ट इबिट मार्जिन पे। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर कंपेयर करते हैं, 24.7% पे इबिट मार्जिन एक्सपेक्टेशंस है। ओवरऑल Q3 की जो एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड, मेनली बिकॉज ये सीजनली वीक क्वार्टर ही होता है IT कंपनीज के लिए। क्रॉस करेंसी हेडविंड्स भी आएगी जिसकी वजह से थोड़ी म्यूटेड बिहेवियर भी रहेगी ओवरऑल अर्निंग्स में। और मे बी एक सरप्राइज जो आ सकता है वो है मार्जिन फ्रंट पे सरप्राइज। और कंपनी ने पहले बताया भी था कि उनकी हेडविंड्स है स्पेशली PNC इंश्योरेंस में, मॉर्गेज में, डिस्क्रिशनरी रिटेलर्स में, स्पेशली यूरोप और UK साइड में उन्होंने ये हेडविंड्स फेस की थी, और पोटेंशियली हायर फोरलोस भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये थोड़े जो फैक्टर्स हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं नंबर्स को। उसके अलावा हायरिंग स्लो डाउन भी एक्सपेक्टेड है कंपनी में, अट्रिशन रेट एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा अभी Q3 FY23 में। और फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे मैनेजमेंट की कॉमेंट्री में, क्लाइंट बजट्स क्या है, कॉशियस बोल रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स कैसा जाएगा आगे जाते हुए, ये भी एक कॉमेंट्री में इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इम्पैक्ट क्या है यूरोप एंड BFSI में स्लो डाउन का, अट्रिशन ट्रेंड्स क्या है, हायरिंग ट्रेंड्स क्या है, डील विंस क्या है, पाइपलाइन नेचर, प्राइसिंग उनकी क्या है, और FY23 का ग्रोथ आउटलुक तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ही है। ओके ठीक है, तो ये तो आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जिस पर ध्यान रखना होगा। उनका टक्साले एक्सेस सिक्योरिटीज से हमारे साथ है नंबर्स पर बात करने के लिए, IT पर क्या एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स के लिए आज से होनी चाहिए। ओंकार गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका IT नाउ स्वदेश पे। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जिन पर बाजार की एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रह सकती है, मार्जिन इंप्रूव होंगे या नहीं, हायरिंग और अट्रिशन हमेशा एक बड़ा कंसर्न रहता है, बिगर डील पाइपलाइन कैसी हो सकती है। क्या एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन इस बार के नंबर्स, इस बार के क्वार्टर से होनी चाहिए IT नंबर से? जी थैंक यू। मेरे हिसाब से अगर आप IT सेक्टर एज ए होल देखें तो यहाँ पे एक ग्रोथ मॉडरेशन लेवल बनाया जा सकता है, या फिर ग्रोथ मॉडरेशन लेवल होते हुए दिख सकती है आफ्टर 2 quarters ऑफ गेन, वो बिकॉज ऑफ द 2 primary reasons। एक जो कि ये सीजनली वीक क्वार्टर्स है बिकॉज ऑफ द हायर फर्लोस, और दूसरा जो उसका कारण है वो कि एक अनसर्टेनिटी बनती हुई दिख रही है नॉर्थ अमेरिका रीजन और यूरोप में, जो कि मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स है इसमें, क्योंकि स्लो डाउन थ्रेट्स है, रिसेशन थ्रेट्स है उसके कारण। तो उसके हिसाब से वो एक ग्रोथ मॉडरेशन पूरे IT लेवल में आ सकती है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.5 to 3% ओवरऑल IT पैक में डॉलर रेवेन्यू के डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ Q3 में। और इसका जो कमेंट्री रहेगा और डील विंस यहाँ पे भी स्लो डाउन होते हुए दिख सकती है, जो कि लार्ज डील विंस हुए हैं पिछले क्वार्टर्स में। TCS का एवरेज $8 billion डील विंस है, जो कि यहाँ पे मॉडरेट हो सकती है 20-30%, जो कि हम लोग ने एक्सेंचर रिजल्ट्स में भी देखा जो इम्पैक्ट आया हुआ है। और उसका जो वर्टिकल कमेंट्री है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली रिटेल साइड, इंश्योरेंस साइड, मैन्युफैक्चरिंग हाईटेक साइड में, कि कुछ पेन कट्स आ रहे हैं कि या फिर कुछ क्लाइंट के साइड से कुछ डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। ये मामले में मेरे हिसाब से छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट्स है स्लो पेइंग अकाउंट्स बोलते हैं उसमें थोड़ा डिले ये क्वार्टर से आएगा, लेकिन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स है, लार्ज टर्म्स है, वो अभी भी इंटैक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन। तो ये हम लोग देख सकते हैं क्वार्टर 3 रिजल्ट्स में।
ओमकार, गुड आफ्टरनून। क्वार्टर थ्री वैसे वीक रहता है, ये बात भी सही है, और 2022 का साल भी आईटी सेक्टर के लिए काफी चैलेंजिंग रहा, बी इट ग्लोबल या डोमेस्टिक फ्रंट पर। और इस वक्त भी अगर देखें FY23 के गाइडेंस में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन छोटी मझौली कंपनियों पर आपका आउटलुक क्या होगा? क्योंकि हमने देखा है मिड कैप स्पेस में मिड कैप आईटी कंपनियों ने कुछ हद तक परफॉर्म जरूर किया है, स्टॉक्स लाइक परसिस्टेंट, KPIT टेक्नोलॉजीज, वहां पर हमने बीच बीच में कई सारी खबरों के चलते, इनफैक्ट आज भी अगर देखेंगे KPIT टेक में एक अच्छा अप मूव कमजोर बाजार में भी दिख रहा है। डेफिनेटली, मतलब हम लोग भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड कैप ये क्वार्टर में भी सरपास करेगा ग्रोथ के मामले में एज कंपेयर्ड टू लार्ज कैप कंपनीज बिकॉज ऑफ द लो बेस इफेक्ट एंड द काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे हैव वोन इन द प्रीवियस क्वार्टर। तो आगे इसका जो ग्रोथ रेवेन्यू मोमेंटम होगा ये क्वार्टर में भी ये बरकरार रहेगा। अगर माना जाए तो परसिस्टेंट सिस्टम या फिर Q4J जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 6% to 6.5% दोनों कंपनी में इन रूपी टर्म्स जो कि ये क्वार्टर में आ सकते हैं और सरपास करेंगे ग्रोथ के मामले में। LTI और Mindtree की बात करें तो वो अभी 6th लार्जेस्ट कंपनी हो गई है, लेकिन उसका मार्जिन पे थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आएगा 100 to 200 बेसिस पॉइंट बिकॉज ऑफ द वन टाइम इंटीग्रेशन कॉस्ट, वो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हालांकि मॉडरेशन एट्रीशन लेवल में थोड़ा सा मॉडरेशन लेवल आने के कारण मार्जिन एक्सपेंशन हम लोग ये क्वार्टर में 50 to 100 बेसिस पॉइंट देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार आज समय देने के लिए और अपना एनालिसिस शेयर करने के लिए, शुक्रिया आपका। तो देखना होगा, ये अलग अलग बास्केट में तो रखना पड़ता है लार्ज कैप आईटी को और मिड कैप और स्मॉल कैप आईटी को। देखना होगा कि सोमवार को अब जब अर्निंग सीजन की शुरुआत होती है तो किस तरह के नंबर्स टीसीएस रिपोर्ट करते हैं, जिस पर हम मंगलवार को रिएक्ट करेंगे। लेकिन